सिवान के एक ही परिवार के चार लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 22 जून को होने वाली थी शादी। शादी का माहौल मातम में बदल गया। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र के कोदई के रहने वाले एक ही परिवार के चार लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। इधर एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु होने के बाद पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा है। हादसा रविवार सुबह हुई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी लोग अपने सफारी गाड़ी में सवार होकर जयपुर के मानसरोवर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए सिवान अपने पैतृक गांव कोदई आ रहे थे। तभी यूपी के उन्नाव हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा आज जा रहे अनियंत्रित ट्रक विपरीत दिशा से सफारी कार में जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी तेज रही कि घटनास्थल पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। घटना के बाद हसनगंज इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सभी मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखनऊ लोकबंधु हॉस्पिटल भेज दिया, जबकि दो लोगों की गंभीर स्थिति में इलाज चल रही है। घटना के संबंध में कहा जा रहा है कि लखनऊ से आगरा जा रहे ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद कंटेनर के लिए ट्रक सीधा सामने से जा रही सफारी गाड़ी में घुस गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया। टक्कर के बाद जब तक कुछ लोग समझ पाते, तब तक चार लोगों की मौत हो गई थी। सड़क हादसे में सभी मृतक सिवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के कोदई गांव निवासी एक ही परिवार के रहने वाले थे। इनमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दो लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान पचरुखी के कोदई के रहने वाले शिवशंकर मिश्र के पुत्र अखिलेश मिश्र, पत्नी बबीता देवी, पुत्री प्रियांशी व भतीजी ज्योति शामिल है, जबकि गंभीर रूप से घायल में मित्र रूपम कुमार तथा संतोष मिश्रा के रूप में हुई मृतक। मृतक अखिलेश मिश्र अपने छोटे भाई विकास मिश्र की शादी में जयपुर के मानसरोवर से गांव आ रहे थे। शादी 22 जून को होनी थी। हादसे के बाद पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो बड़ी खबर फिर से बता दें कि सिवान जिले के रहने वाले एक ही परिवार के सड़क हादसे में चार लोगों की मौत है। जयपुर से सिवान आ रहे थे आगरा एक्सप्रेसवे पर कंटेनर ने कार में मारी टक्कर, दो लोग जख्मी हो गए हैं। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।